तो इस कहानी की शुरुआत होती है और हमें वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में रिच और हेली नाम के दो कपल को दिखाया जाता है। ये दोनों साथ मिलकर के पहाड़ के ऊपर चढ़ाई करने का काम कर रहे थे। कुछ समय बाद जब रिच ऊपर चला जाता है तो वो अपनी जीत की खुशी मनाने लगता है। इसी बीच हम देख पाते हैं कि हेली का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने वाली थी, लेकिन वो अपने आप को संभाल लेती है। कुछ समय बाद रिच काफी जोर से चिल्लाता है तो हेली पूछती है कि क्या हुआ रिच, लेकिन रिच कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। और तभी हेली देख पाती है कि रिच के शरीर से खून बह रहा था। कुछ समय बाद रिच के शरीर को कोई नीचे फेंक देता है और हेली को भी कोई ऊपर की ओर खींचने लगता है। अब यहाँ पर हेली बहुत डर गई थी। मौके पर हेली के पास एक चाकू था और उस चाकू की मदद से वो रस्सी को काट देती है और नीचे आकर के गिर जाती है। नीचे आने के बाद हेली रिच के लाश को देखती है, जिसे देखने के बाद वो बहुत ज्यादा डर गई थी और भागने लगती है। हेली भागते हुए जंगल के बाहर आ गई थी, लेकिन बदकिस्मती से वो नीचे गिर जाती है। और यहाँ हम देख पाते हैं कि हेली को खींच करके कोई अपने साथ लेकर जाता है। अब यहीं पर सीन कट होता है और हमें क्रिश नाम के एक इंसान को दिखाया जाता है, जो शहर से बाहर अपने जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते में वो ट्रैफिक में फंस जाता है। क्रिस को इंटरव्यू के लिए बहुत देर हो रहा था। अब यहाँ पर क्रिस बस ड्राइवर से पूछता है कि आखिर ये ट्रैफिक कब तक रहेगा, तो बस ड्राइवर बताता है कि मैं काफी समय से यहाँ पर हूँ और ये ट्रैफिक भी काफी समय से लगा हुआ है। अगर तुम्हें शहर के बाहर जाना है तो जिस रास्ते से तुम आए हो उसी रास्ते में वापस लौट जाओ, क्योंकि उस रास्ते के साइड में एक कच्चा रास्ता है जो शहर के बाहर जाता है। जिसके बाद क्रिस उस बस ड्राइवर की बातों को मान लेता है, अपनी गाड़ी को पीछे ले लेता है। जिस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए क्रिस जा रहा था उस कंपनी में कॉल करके क्रिस बताने की कोशिश करता है कि मैं ट्रैफिक में फंस चुका हूं और मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा, लेकिन क्रिस जंगल में पहुंच चुका था इसलिए उसके फोन का नेटवर्क भी खत्म हो चुका था। कुछ दूर आगे जाने के बाद क्रिस एक गैस स्टेशन पर पहुंचता है, जहां वो देखता है कि बहुत सारी गाड़ियां लावारिस पड़ी हुई हैं। गैस स्टेशन पर पहुंचने के बाद वहां पर एक इंसान बैठा हुआ था, क्रिस उससे फोन के लिए पूछता है। अब यहां पर क्रिस कॉल करने की कोशिश तो करता है, लेकिन फोन खराब पड़ा हुआ था और कॉल नहीं लगता है। उसके बाद क्रिस इस इंसान से पूछता है कि मुझे शहर के बाहर जाना है, यहां से कोई शॉर्टकट रास्ता हो तो मुझे बता दो। अब इस इंसान की भी तबीयत कुछ खराब थी, इसलिए ये सही तरीके से जवाब नहीं दे पाता है। और वही पास में एक नक्शा लगा हुआ था जिसमें शहर के बाहर जाने का रास्ता दिखाया गया था। तभी वो बूढ़ा इंसान कहता है कि नक्शा सही है और रास्ता भी सही है, लेकिन संभल कर जाना, वो जंगल बहुत ही खतरनाक है। अब यहाँ पर क्रिस इस बूढ़े इंसान की बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेता है और वो निकल पड़ता है उसी रास्ते पर शहर के बाहर जाने के लिए। कुछ दूर आगे जाने के बाद क्रिस के सामने दो रास्ते आते हैं और वो जंगल वाले रास्ते को चुनता है, क्योंकि क्रिस को लग रहा था कि जंगल वाला रास्ता शॉर्टकट रास्ता है, वो इस रास्ते से शहर के बाहर जल्दी पहुंच जाएगा। अब जैसे ही क्रिस जंगल में कुछ दूर आगे जाता है तो वो एक हिरन को देखता है जो कि मरा पड़ा हुआ था, और उसी हिरन को देखने के चक्कर में उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है। अब जिनकी गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हुआ वे लोग कुछ कपल्स थे और जंगल में एंजॉय करने के लिए आए थे। अब ये सभी लोग क्रिस के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे थे और उसे भला बुरा बोल रहे थे। हालांकि यहाँ पर क्रिस इन सभी लोगों से माफी भी मांगता है और जो भी नुकसान हुआ है उन सबकी भरपाई भी करने के लिए कहता है। यहाँ पर क्रिस इन लोगों से पूछता है कि तुम लोगों ने गाड़ी को बीच रोड पर क्यों खड़ा करके रखा है, तो यहाँ पर जेसी बताती है कि हमारे कार के सामने एक नुकीला वायर आ गया था जिसकी वजह से हमारे टायर पंचर हो गए हैं। अब यहाँ पर ये सभी लोग बहुत ही बुरी तरीके से फंसे हुए थे और इन सभी लोगों को हेल्प की जरूरत थी, आपस में लड़ाई झगड़ा करके कुछ भी हासिल नहीं होने वाला था। जिसके बाद यहाँ पर कुछ दोस्त हेल्प मांगने के लिए जंगल में आगे की ओर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो इवान और फ्रेंसी थे वे लोग गाड़ी की देखभाल करने के लिए यहीं पर रुक जाते हैं। जंगल में कुछ दूर आगे जाने के बाद इन सभी दोस्तों को जंगल में आग लगाया हुआ दिखाई देता है, जिसके बाद इन लोगों को लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई होगा, और इसीलिए सभी लोग चिल्ला करके पुकार रहे थे किसी को, लेकिन वहाँ पर कोई था नहीं इसलिए कोई बोलता भी नहीं है। और इधर हम इवान को देखते हैं जो अचानक जंगल की ओर चला जाता है, और जब फ्रेंसी इवान को बुलाती है तो इवान कुछ भी जवाब नहीं दे रहा था। जिसके बाद फ्रेंसी चेक करने के लिए वो भी जंगल की ओर जाने लगती है, और कुछ दूर आगे जाने के बाद फ्रेंसी को इवान का जूता और कटा हुआ कान दिखाई देता है। इन कानों में रिंग लगा हुआ था, जिसे देखने के बाद फ्रेंसी पहचान जाती है कि ये इवान का कान है, क्योंकि इवान ने भी अपने कानों में रिंग पहना हुआ था। अब यहाँ पर फ्रेंसी काफी डर गई थी और उसे भागने तक का मौका नहीं मिलता है। कोई पीछे से आकर के फ्रेंसी को जान से मार देता है। और इधर हम बाकी के दोस्तों को देखते हैं जो जंगल में एक कैबिन के पास पहुंच चुके थे। यहाँ पर इन लोगों को बहुत सारी गाड़ियां दिखाई देती है जो कि बिल्कुल ठीक ठाक थी, इसलिए इन लोगों को लगता है कि अब इन लोगों को हेल्प मिल जाएगा। ये लोग दरवाजे को खटखटाते हैं लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आ रहा था, जिसके बाद ये सभी लोग दरवाजे को खोल देते हैं और अंदर चले जाते हैं। अंदर ये लोग खाने की टेबल पर देखते हैं तो बहुत सारी गंदगी
पड़ी हुई थी और यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियों की चाबियां भी रखी गई थी। और यहीं पर ये लोग देखते हैं कि इंसानों के शरीर के पार्ट्स को काट करके यहाँ पर रखा गया था। ये लोग काफी डर गए थे और यहाँ से भागने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन तभी ये लोग देखते हैं कि इन्हीं की गाड़ियों को कोई टो करके यहाँ पर लेके आ रहा था। इसके बाद ये सभी लोग पीछे के रास्ते से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनकी किस्मत खराब थी, पीछे का जो दरवाजा था ना वो लॉक था। और फिर इन लोगों को मजबूरन इसी घर में छुपना पड़ता है क्योंकि इसके अलावा इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। और तभी इन लोगों के सामने इन्हीं की दोस्त फ्रेंसी की लाश गिरती है, जिसे देखने के बाद ये सभी लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। इनकी दोस्त की इतनी भयानक मौत देख करके इनकी रूह तक भी कांप गई थी। अब यहाँ पर जो आदि मानव है या आदम खोर है, ये लोग फ्रेंसी की लाश को जब काट रहे थे तो कार्ली चिल्लाने वाली थी, मगर यहाँ पर स्कॉट उसके मुंह को बंद कर लेता है। अपना काम खत्म कर लेने के बाद जब ये आदम खोर सो गए थे तो इसी का मौके का फायदा उठा करके ये सभी दोस्त यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, मगर तभी यहीं पर एक आदम खोर की आंख खुल जाती है और वो क्रिस को देख लेता है। लेकिन इसके बावजूद भी ये सभी दोस्त यहाँ से भाग चुके थे और तभी हम देख पाते हैं कि इन दोस्तों को मारने के लिए आदम खोर भी शिकार करने के लिए निकल पड़े हैं। ये सभी दोस्त भागते हुए जंगल में उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी गाड़ियां रखी गई थी और ये गाड़ियां बिल्कुल ठीक ठाक थी। इन गाड़ियों के ऊपर बहुत सारे खून लगा हुआ था। इन गाड़ियों को देख करके ऐसा लग रहा था कि इनके साथ बहुत ही बड़ा हादसा हुआ हो। और तभी यहीं पर आदमखोर अपनी गाड़ी को लेकर के आ जाते हैं, जिसके बाद ये सभी दोस्त यहाँ पर छुप जाते हैं। ये आदमखोर इन्हीं की तरफ आ रहे थे, तभी क्रिस कहता है कि मैं इन लोगों का ध्यान भटकाता हूँ और तुम लोग मौके का फायदा उठा करके भाग जाना। जिसके बाद क्रिस चिल्लाते हुए जंगल की ओर भागता है, लेकिन इसी बीच क्रिस को एक गोली भी लग जाती है। ये सभी आदमखोर क्रिस की ओर जा रहे थे, तभी यहाँ पर स्कॉट क्रिस की जान बचाने के लिए जोर जोर से चिल्लाते हुए दूसरी तरफ भागने लगता है। अब यहाँ पर सभी आदमखोर क्रिस को छोड़ देते हैं और स्कॉट के पीछे चले जाते हैं। इधर जैसे ही आदमखोर की गाड़ी के गेट को ओपन करती है, तभी उसमें से इवान की लाश गिरती है, जिसे देखने के बाद ये लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं। अब यहाँ पर सभी दोस्त आदमखोर की गाड़ी को ले लेते हैं और जंगल में आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। जो स्कॉट था इन लोगों का दोस्त, इन लोगों के करीब पहुंचने वाला ही था, मगर तभी यहीं पर आदमखोर उसके ऊपर तीर से हमला कर देते हैं। अब यहाँ पर स्कॉट की मौत हो चुकी थी, इसलिए ये सभी दोस्त यहाँ पर रुकते नहीं है, गाड़ी को लेकर के आगे निकल जाते हैं। और इधर हम देखते हैं कि ये सभी आदमखोर स्कॉट के लाश के पास आते हैं, उसकी लाश को उठाते हैं और उसे अपने साथ लेकर जाते हैं। स्कॉट की मौत हो जाने के बाद जो कार्ली थी वो बहुत ज्यादा रो रही थी, क्योंकि वो इसका मंगेतर था और ये दोनों ही जल्द ही शादी करने वाले थे। खैर अब यहाँ पर कुछ किया नहीं जा सकता था, इसलिए ये सभी लोग गाड़ी को लेते हैं और जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। अब जैसे ही जंगल में ये लोग कुछ दूर आगे जाते हैं तो ये लोग देखते हैं कि सामने एक पेड़ गिरा हुआ था, इसलिए ये सभी लोग गाड़ी को रोक देते हैं। अब यहाँ से ये लोग आगे जा नहीं सकते थे, इसलिए ये सभी लोग अपने गाड़ी को पीछे ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर इनकी किस्मत खराब थी, इनकी जो गाड़ी है ना वो कीचड़ में फंस जाती है। और फिर यहाँ पर मजबूरन इन्हें गाड़ी को छोड़ना पड़ता है और जंगल में पैदल ही आगे जाना पड़ता है। जंगल में कुछ दूर आगे जाने के बाद ये सभी लोग बैठ करके रेस्ट करने लगते हैं, तभी ये लोग देखते हैं कि जहाँ पर ये बैठे हैं उसी के ऊपर ठीक एक लकड़ी का घर बना हुआ था। अब ये लोग जैसे ही उस घर को देखते हैं तो इन लोगों को लगता है कि इन्हें यहाँ पर मदद मिल सकती है, जिसके बाद ये सभी लोग उस घर में चले जाते हैं सीढ़ियों के सहारे। और दूर तक देखते हैं तो वहाँ पर इन लोगों को कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था जंगल से बाहर जाने के लिए। जिसके बाद ये सभी लोग इसी घर में कुछ छानबीन करते हैं तो इन्हें मेडिकेट बॉक्स मिलता है, लाइटें मिलती हैं और इन्हें यहाँ पर एक रेडियो भी मिलता है जो कि बिल्कुल ठीक ठाक था। उसके बाद ये सभी लोग रेडियो को ऑन करते हैं और कॉन्टेक्ट करने की कोशिश भी करते हैं। रेडियो से आवाजें तो आ रही थी लेकिन ठीक से कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तभी ये लोग देखते हैं कि आदमखोर यहाँ पर आ गए हैं और जहाँ पर ये लोग रुके हुए थे उस लकड़ी के घर में आदमखोरों ने आग लगा दिया था। अब यहाँ पर इन लोगों के पास सिर्फ एक ऑप्शन था और वो था यहाँ से कूदने का। तभी क्रिस देखता है कि एक पेड़ की टहनी इन्हें दिखाई दे रही थी, तो क्रिस इन लोगों से कहता है कि उस टहनी पर हमें कूदना होगा वरना हम सब जल करके मारे जाएंगे। अब इन सभी लोगों को क्रिस की बातों को मानना पड़ता है क्योंकि इन लोगों के पास इसके अलावा और कोई भी चारा नहीं था। लेकिन इसी बीच हम देख पाते हैं कि आदमखोरों ने इन लोगों को देख लिया है और ये लोग जिस पेड़ पर कूदे थे ना उस पेड़ पर आदमखोर भी चढ़ने लगते हैं। एक आदमखोर पेड़ पर चढ़ भी जाता है और वो गलती से कार्ली को देख लेता है। अब यहाँ पर कार्ली की किस्मत खराब थी, वो आदमखोर कार्ली के मुंह पर टेंगारे से वार करता है, जिसकी वजह से कार्ली का सर धड़ से अलग हो जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब यहाँ पर बचे हुए थे जेसी और क्रिस, इन लोगों को भी आदमखोर देख लिए थे और इन्हें मारने के लिए इनके पास आ रहे थे, लेकिन ये दोनों लोग प्लान बनाते हैं और एक पेड़ की टहनी से उस आदमखोर को नीचे गिरा देते हैं। उसके बाद ये दोनों बचते बचाते एक पहाड़ के ऊपर झरने के पीछे आकर के छुप गए थे। अब यहाँ पर ये लोग बिल्कुल सेफ थे क्योंकि आदमखोरों ने इन लोगों को यहाँ पर आते हुए नहीं देखा था। अपने दोस्तों की मौत हो जाने के बाद जेसी को बहुत ही दुख हो रहा था, वो क्रिस से कह रहे थे कि हमें यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। खैर उसके बाद ये सभी लोग आज रात यहीं पर सो जाते हैं और अगले दिन सुबह में एक डरावने सपने के साथ इन लोगों की आँख खुलती है। उसके बाद ये सभी लोग उड़ते हैं और जंगल से बाहर जाने के लिए रास्ते को ढूंढने लगते हैं और कुछ समय बाद इन्हें एक हाईवे दिखाई देता है और इन लोगों को लगने लगता है कि इन्हें अब जंगल से बाहर जाने का रास्ता मिल चुका है। मगर दूसरे
पल यहाँ पर सभी आदमखोर आ जाते हैं और इन लोगों के ऊपर हमला करने लगते हैं। यहाँ क्रिस ऊपर से नीचे गिर जाता है और ये आदमखोर जेसी को उठा करके अपने साथ लेकर जाते हैं। क्रिस को हाईवे पर एक पुलिस की गाड़ी जाते हुए दिखाई देती है, जिसके बाद क्रिस दौड़ते हुए उस गाड़ी के पास जाता है और पुलिस ऑफिसर से सब कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। यहाँ क्रिस उस पुलिस ऑफिसर को सब कुछ साफ साफ बता ही रहा था, तभी वो आदमखोर उस पुलिस के ऊपर हमला कर देते हैं और पुलिस ऑफिसर की यहीं पर मौत हो जाती है। यहाँ क्रिस पुलिस ऑफिसर को गाड़ी को लेकर के यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो गाड़ी स्टार्ट हो ही नहीं रही थी और यहाँ पर आदमखोर उसके ऊपर लगातार हमला कर रहा था, जिसके बाद क्रिस अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी के नीचे जाकर के छुप जाता है। और जब यहाँ पर आदमखोर आता है तो वो गाड़ी के नीचे चेक भी करता है, लेकिन यहाँ पर क्रिस था ही नहीं, क्योंकि क्रिस झाड़ियों के पीछे जा चुका था। उसके बाद ये आदमखोर पुलिस ऑफिसर की लाश को डिग्गी में भरता है और गाड़ी को लेकर के जाने लगता है, लेकिन इसी बीच क्रिस भी गाड़ी के नीचे आ जाता है और गाड़ी के नीचे लटक करके इन लोगों के साथ चला जाता है। और इधर हम जेसी को देखते हैं जो अभी जिंदा है, लेकिन इन आदमखोरों ने उसे बांध करके उसे बहुत ही बुरे तरीके से टॉर्चर कर रहे हैं। यहाँ ये आदमखोर जेसी को मारने वाला ही था, तभी आदमखोर को बाहर से गाड़ी की आवाज सुनाई देती है, तो वो मारना बंद कर देता है। उसके बाद ये सभी आदमखोर पुलिस ऑफिसर की लाश को लेकर के अपने कैबिन के अंदर जाते हैं और उसकी लाशों को जेसी के सामने काट रहे थे। अब यहाँ पर एक बार फिर से आदमखोर जेसी को मारने के लिए जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्रिस की एंट्री होती है और वो आग लगा करके गाड़ी को लेकर के अंदर घुस जाता है। अंदर जाने के बाद इन आदमखोरों के बीच में और क्रिस से लड़ाई होती है। इस बीच आदमखोर क्रिस को बहुत मार रहे थे और तभी मौके का फायदा उठा करके जेसी एक तीर कमान से उस आदमखोर के ऊपर हमला कर देती है। अब यहाँ पर ये आदमखोर जख्मी हो गया था और वो बेहोश हो जाता है, लेकिन यहाँ पर बाकी के जो आदमखोर थे ना वो आ जाते हैं और वो इन लोगों के ऊपर हमला करने लगते हैं, लेकिन इस बार क्रिस इन आदमखोरों को बहुत मारता है और इन्हें जान से मार देता है। ये सभी आदमखोर जख्मी के हालत में था और ये सभी आदमखोर घर के अंदर बेहोश पड़े हुए थे। इसी का फायदा उठा करके क्रिस बाहर आता है और वो गैस के डिब्बों पर फायर कर देता है, जिसकी वजह से पूरे घर में आग लग जाती है, पूरा घर ब्लास्ट हो जाता है। अब इतना बड़ा ब्लास्ट हो जाने के बाद मुश्किल ही है कोई आदमखोर बचा होगा, सबके सब शायद ही मारे गए होंगे। उसके बाद ये दोनों लोग उन आदमखोर की गाड़ी को लेते हैं और गैस स्टेशन पर जाते हैं। यहाँ पर वो बूढ़ा इंसान दरवाजे को बंद कर लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर ये आदमखोर की गाड़ी है तो आदमखोर ही होंगे। खैर, अब यहाँ पर गाड़ी से क्रिस नीचे उतरता है और वो उस नक्शे को फाड़ देता है जिस नक्शे से वो उस जंगल तक पहुंचा था और उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। कोई और इस हादसे का शिकार न हो, इसलिए क्रिस उस नक्शे को फाड़ देता है। अब इस मूवी के हम पोस्ट क्रेडिट सीन की बात कर लेते हैं। जिस कैबिन में आदमखोर रह रहे थे वहाँ पर इतना बड़ा ब्लास्ट हो जाने के बाद एक पुलिस ऑफिसर वहाँ की छानबीन करने के लिए जाता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि अभी भी एक आदमखोर जिंदा है और वो पुलिस ऑफिसर के ऊपर हमला कर देता है। और इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और रॉन्ग टर्न मूवी के जितने भी पार्ट है मैंने सब पर वीडियो बना करके चैनल पर अपलोड करके रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके देख लो। तो यही था आज की इस वीडियो में, तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखिएगा।